सोना के चुंगी नंबर एक पर चल रहे नेशनल हाईवे के ग्रिल के कार्य को लेकर विरोध शुरू हो गया है, जिसको लेकर व्यापारियों ने एकजुट होकर बैठक की और प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दुकानों के सामने ग्रिल लगी तो वो इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलाएंगे। सुनिए व्यापारियों का क्या कुछ कहना है। आज जो नेशनल हाईवे द्वारा चुंगी नंबर एक दिल्ली रोड पर बंद किया जा रहा है, उसको खुलवाने के विषय में हुई है, क्योंकि इससे जितने भी दुकानदार उसके आसपास के हैं जो चुंगी नंबर एक का रास्ता सोहना के शहर के अंदर एंट्री कर रहा है, उन सारे दुकानदारों को नुकसान है उसे बंद होने से, और बावजूद दुकानदारों के भी शहर के हित में नहीं है वो जी। क्योंकि शहर के अंदर आवागमन के रास्ते जो तीन है शहर के, उनमें से एक रास्ता बंद हो जाता है और मेन उस रास्ते से बहुत ही पब्लिक सोहना शहर की आती है। तो इसको लेकर क्या फैसला किया गया आज यहाँ पर? इसको लेकर आज व्यापार मंडल संघ की तरफ से जितने भी यूनियन के प्रधान हैं और जो शहर के मौजूद लोग हैं उनकी एक मीटिंग हुई है अग्रवाल धर्मशाला में आज, उसके अंदर ये फैसला किया गया है। आज मीटिंग जो व्यापार मंडल की बुलाई थी, असली तो जो हमारे जो मेन रोड पे जो ये दुकानदार हैं उनके आगे ये ग्रिल लगाए गए हैं, जिससे 100-150 दुकानदारों का बिल्कुल बिजनेस खत्म हो रहा है। इसका पूरे व्यापार मंडल की जो मीटिंग हुई थी उसमें पुरजोर विरोध हुआ और विरोध में पूरे व्यापारियों ने हाथ उठाकर एक सुर में कहा कि हम बिल्कुल भी इन ग्रोलों को लगाने देंगे, पूरा व्यापार, पूरा व्यापारी सब सोने का बिल्कुल एक है, अगर जबरदस्ती प्रशासन ने वो ग्रिल लगाने काम किया तो पूरा बाजार बंद होके बिल्कुल इनका विरोध करेगा, रोडों पर बैठेगा। ये ग्रिल लगा कौन रहा है यहाँ पर? ये NHAI ने जो इनका कोई नया प्रोसीजर चालू हुआ है, जो बिल्कुल दुकानें जो यहाँ 50-50 साल से 40-40 साल से दुकान है उनके आगे 2-2 फुट दुकान रह जाती है, वो अपना बिजनेस कैसे करेंगे, उनकी तो बिल्कुल रोजी रोटी बंद हो जाएगी। व्यापार मंडल इसको बिल्कुल नहीं होने दे। तो इसको लेकर पहले भी प्रशासन से अवगत करवाया गया? प्रशासन को हमने SDM मैडम को भी इस विषय में अपने पहले भी दी और विधायक जी से। हालांकि इससे पहले व्यापारियों ने आला अधिकारियों से इसकी शिकायत की है, वहीं चुंगी नंबर एक के रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर आसपास ग्रिल लगाई जा रही है। ग्रिल के कारण वहां पर करीब 100 से अधिक दुकानदार पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। इन्हीं ग्रिल को लेकर व्यापार मंडल ने एक मीटिंग का आयोजन किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस संबंध में उन्होंने कई बार आला अधिकारियों से इस समस्या से अवगत कराया है, लेकिन उनकी समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। अगर व्यापारियों के अहित में कार्य किया गया तो जल्द ही इसके विरोध में बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। सोहना से संजय राघव की रिपोर्ट।